बीज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आलू और ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी होती है। इसे मैं सरसों मसालों के साथ बनाऊँगी जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आलू ड्रमस्टिक के लिए मैंने 4 पीस ड्रमस्टिक लिया है, कुछ के छिलके निकाल लिए हैं, और 4 पीस आलू हम रख लिए हैं, इसके भी छिलके निकाल लिए हैं। इसमें आधा चम्मच हम मिर्च पाउडर का यूज़ किए हैं और आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे और सरसों का तेल यूज़ करेंगे। सरसों के तेल की जगह कोई भी खाने वाला तेल जो वेजिटेबल ऑयल है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का स्वाद अलग होता है, बहुत ही अच्छा बनता है इसमें। और काली मिर्च पाउडर है इसमें आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर है इसमें 1 चम्मच और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और हींग 2 चुटकी यूज़ करेंगे। और इसमें हम 5 फोरन का यूज़ किए हैं, चाहे तो हम सिंगल फोरन का भी यूज कर सकते हैं। और 1 इसमें लाल मिर्च साबुत हम यूज़ किए हैं और सरसों का पेस्ट इसमें 2.5 चम्मच लिए हैं। इसका पेस्ट मैं पहले ही बना ली थी, पीली वाली सरसों का ये पेस्ट है। चाहे तो हम ब्लैक वाले सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पीले सरसों का यूज़ किया है। और धनिया पत्ता इसमें फ्रेश यूज़ करेंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं, हम कैसे बनाएंगे ये सब्जी। 4 आलू ले लिए हैं छिल करके, इस तरह से छिलका इसका निकाल लिए हैं, और इसका मैं पहले इसको काट ली थी, और अभी मैं बताती हूँ कि इसको कैसे काटेंगे। इस तरह से इसको काटते जाएंगे, इस तरह से इसका यहाँ पे रखकर इसका छिलका ऐसे करके निकालेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे, फिर इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर इसको फिर हम ऐसे करके निकालेंगे छिलका। कितना दूर ये रेशा निकल जाए इसका। सारे ड्रम स्टिक मैंने इस तरह से काट लिए हैं, अब आलू काट लेंगे। टमाटर भी मैं काट ले रही हूँ बारीक बारीक। सब्जी का कटिंग हम अपने पसंद के अनुसार करेंगे। हम ड्रम स्टिक और आलू को धो लेते हैं पानी में। ड्रम स्टिक का इतना मोटा होना चाहिए, बहुत पतले इसमें ड्रम स्टिक लेंगे तो उसमें बिल्कुल गुद्दा नहीं रहेगा, इसलिए हम इस तरह का मोटा थोड़ा सा ड्रम स्टिक का यूज़। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें तेल डाल दिए हैं। अब हम इसमें ड्रम स्टिक को फ्राई कर लेंगे, और तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ड्रम स्टिक को डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं और एकदम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम करेंगे इसको, मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे 3 मिनट में फ्राई हो जाएगा, इस तरह से फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं ताकि आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच आलू, 1 चम्मच और तेल हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। इसमें हम एक थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं। आलू भी ब्राउन हो गया है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं।
अब इसी तेल में हम फोरन डाल देंगे, पांच फोरन। जब फोरन चटक जाए तब इसमें हम लाल मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए, रॉ स्मेल चला जाएगा तब तक इसको हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें सरसों का पेस्ट डाल देते हैं। और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ी देर। मीडियम फ्लेम पर हम लगातार सरसों को भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं ताकि मसाले ना जले। इसमें आप तेल छोड़ने लगेगा जब मसाला भून जाएगा तो। लहसुन और सरसों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, ये तेल छोड़ने लगा है यानी ये भून गया है। अब हम बाकी सब मसाले इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है। अगर बच्चों को खाना है तो लाल मिर्च कम डालें, काली मिर्च है और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं। ये सब्जी सरसों वाली जो ड्रम स्टिक की सब्जी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी होता है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर गल गया, इसके लिए हम इसको थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं हम। अभी थोड़ा सा और गलेगा टमाटर, इसको थोड़ा देर और ढक देते हैं। इस बार हम चेक कर लेते हैं मसाले भूने के लिए और टमाटर गला के लिए। आसानी से गल गया है, पूरा आसानी से पेस्ट हो जा रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्रम स्टिक और आलू। अच्छी तरह से चला लेंगे। हम थोड़ा नमक भी ऐड कर दे रहे हैं। सब्जी के मात्रा के अनुसार हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे। मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसे मिला लेंगे। अच्छी तरह से चला लेंगे मसालों को और आलू और ड्रम स्टिक अच्छे से मिल जाए मसाले में। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ढक देते हैं मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट के बीच में ये पक जाएगा।
सब्जी बन करके तैयार हो गया ड्रम स्टिक और आलू का, और अच्छी तरह से गल गया है। हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे आसानी से दब जा रहा है, ये गल चुका है। और आलू भी हम इसी तरह से चेक कर लेंगे, ये भी गल गया है। आलू भी इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं इसमें। और आलू और ड्रम स्टिक की सब्जी मैंने सर्व कर दिया है, इसे चावल या रोटी के साथ हम खाएंगे। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो आपको ड्रम स्टिक और आलू की सब्जी कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।